हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है शादी वाला दिन, सुबह का टाइम है, बिल्कुल 8 साढ़े 8 करीब बज रहे होंगे और यहाँ पे हो रही है दिव्या तैयार गौरी पूजन के लिए। हमारे यहाँ गौरी पूजन शादी वाले दिन सुबह कन्या जो है दुल्हन करने जाती है गौरी मैया का, तो सभी सखी सहेलियों के साथ में, सभी ढोल नगाड़े के साथ में अच्छे से सज संवर के जाती है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ना इसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है गौरी पूजन करना शादी वाले दिन। जब सीता जी की शादी वरमाला हुई थी, जब जयमाला हुई थी सीता जी की, धनुष टूटने वाला था, तो गौरी पूजन करने गई थी सीता माता, उन्होंने वरदान दिया था, तभी उनको भगवान राम मिले थे। तो ऐसी तब से मान्यता चली आ रही है कि लड़की उस दिन शादी वाले दिन सुबह गौरी पूजन करने जाती है। किस किस के यहाँ जाती है मुझे ज़रूर कमेंट बताना। हम लोग के यहाँ तो गौरी पूजन ज़रूर किया जाता है। तो सुबह जल्दी से स्नान करने के बाद में, वैसे ही हमारे यहाँ पे रिवाज है कि मामा स्नान कराते हैं शादी वाले दिन, लेकिन दिव्या के यहाँ नहीं था तो कोई नहीं, लेकिन दिव्या सुबह जल्दी नहा ली थी, नहा करके अपना तैयार होकर गौरी पूजन के लिए जल्दी है। ढोल नगाड़े भी आए थे, बहुत ही धूमधाम से होता है गौरी पूजन हम लोगों के यहाँ पे, तो बहुत अच्छी चीज़ हुआ था। और यहाँ पे दिव्या की फ़ोटो शूटिंग चल रही है। तो जो मामियाँ हैं, ये मामी थी बिंदु भाभी थी, और ये थी दिव्या की बुआ, जो आपने देखा इन दोनों ने पहनी है राजपूती पोशाक, जो मेरी ननद ने भेजी थी, दीदी ने हम सबके लिए भेजी थी, लेकिन किसी को फिट आई थी उन्होंने पहन ली थी, इसको नहीं आई थी उन्होंने नहीं पहनी। तो यहाँ पे मैंने पहनी थी, दिव्या की बुआ ने पहनी थी और भाभी ने पहनी थी, दिव्या के लिए भेजी थी, दिव्या को फिट नहीं आई थी और सही अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो उसको थोड़ा सा हमने कहा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, तो उसने साड़ी पहनी। बाकी हम लोगों का प्रोग्राम था कि गौरी पूजन में सभी लोग यही पहनेंगे, तो जिन जिनके आगे उन्होंने पहन लिया आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर दिव्या तैयार होकर चल दी है गौरी पूजन के लिए और बहुत आनंद आने वाला है गौरी पूजन में। बड़ा ही धूमधाम से हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बीच में बातें करूँगी, आप बस देखते जाइएगा, लेकिन हाँ एक जगह मैं आपको कुछ बताऊँगी जहाँ पर आप देखिएगा। तो जी बस सब लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत सुंदर मंदिर है, ये इनके घर का ही मंदिर, इनके परिवार का ही। Thank you.
तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहती थी कि अभी आप देखिएगा, खुद ही देखिएगा कि श्रृंगार किस तरीके से दिव्या ने किया था। हाँ, आगे पीछे क्लिप हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ वहाँ से वीडियो क्लिप ली है, तो हो सकता है कोई क्लिप आगे कोई क्लिप पीछे हो गई हो, बट पूरा श्रृंगार किया है। और श्रृंगार में सब कुछ दिव्या ने किया था, वस्त्र तक, सीसा तक दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। और ये जो लड़की, वही बच्ची है जो भात वाले दिन आई थी, आज भी देखिए कैसी आ गई है। बस इसका तो पूछो ही मत, पता नहीं क्या सीन था, क्या था, कुछ नहीं कह सकते, कितना नाच रही है देखो ये। तो यहाँ दिव्या ने सब कुछ श्रृंगार वगैरह सब कुछ किया था। मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ लोगों के कई सारे यही कमेंट थे कि वस्त्र तो पहनाए ही नहीं, माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाई। तो जी, आप देख सकते हैं सब कुछ किया था, आप खुद से देख लीजिएगा। एक्चुअली देखिए, रील जो होती है वो कुछ सेकंड्स की होती है, उसमें हम सब कुछ नहीं दिखा सकते। बीच बीच में थोड़ी सी क्लिप मैंने रील की बना ली थी जिसमें श्रृंगार कर रही है, बस उतनी ही। तो उससे आप जज किसी को नहीं कर सकते हो एकदम से। ना लोग फैसला, मतलब एकदम से कमेंट करने आ जाते हैं, ये नहीं कि जब कर रहे हैं तो इतनी जानकारी तो हमें भी है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। गौरी पूजन में वस्त्र जरूरी होते हैं, माता को चुंदरी होती है, ये सब कुछ किया था, वो आप आगे देखिएगा वीडियो में। Yeah.
तो फ्रेंड्स गौरी पूजन हो गया है, दिव्या को थोड़ा सा डांस कराया, आता नहीं है उसको। अब इसके बाद हम लोग अपने अपने घर गए थे क्योंकि मैरिज होम पहुंचना था सभी को। मैरिज होम हमारे घर के पास ही था, दिव्या को पार्लर जाना था तो दिव्या पार्लर चली गई थी, लगभग 7-8 घंटे पहले उसको बुलाया था। अब मिलते हैं सीधे शादी वाले दिन बारात में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।